भाई सभी को थैंक यू यार, अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं तो मेरे लिए खुद के लिए मतलब 100 सब्सक्राइबर्स एक बहुत बड़ी बात होती है। तो थैंक यू फॉर ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग। और चलते हैं, थोड़ा थोड़ा ग्रो होते हैं, मतलब अभी एकदम से ग्रो होंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा। तो अभी 100 सब्सक्राइबर्स के लिए इतना खुश हूँ मैं। तो अगर देखते हैं 1000 सब्सक्राइबर के क्या होगा, या फिर 10,000 के लिए क्या होगा, 1,00,000 के लिए कैसा होगा, कुछ वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए, मतलब स्पेशल वीडियो आते रहेंगे। आज डेट है 11th नवंबर। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ राशन के बारे में। जो राशन सुनते ही याद आ रहा है कि यार ये तो बिग बॉस का सीजन है, मतलब राशन और बिग बॉस दोनों एकदम सिमिलर होते हैं। मतलब अभी अगर हम हिंदी बिग बॉस के बारे में बात कर लेते हैं तो हिंदी बिग बॉस का मेन कंटेंट यही होता है कि यार राशन छीन लो, कुछ भी करो। तो या तो राशन छीन लेंगे, या फिर राशन के ऊपर कंटेंट बनाएंगे, या फिर पूरा का पूरा सीजन पूरा का पूरा बिग बॉस ही राशन के ऊपर रहता है। यार जैसे अपन दूसरे रीजनल लैंग्वेज रीजनल बिग बॉस में देखते हैं, जैसे कि मलयालम हो गया, मराठी हो गया, तेलुगु हो गया, वहां पे ना अच्छे अच्छे टास्क दिखाए जाते हैं। उस टास्क की वजह से ना व्यूअर्स ना थोड़ा अटेंशन हो जाते हैं कि यार क्या होने वाला, नेक्स्ट क्या होगा। मतलब टास्क में एकदम अच्छे रहते हैं यार टास्क, मतलब ऐसा नहीं है कि यार उसमें भी कुत्तों का लड़ाई ऐसे राशन के ऊपर लड़ा दिया सबको, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसमें ना अच्छे से टास्क दिखाया जाता है। तो ना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिग बॉस में टास्क नहीं होते, टास्क तो दिखाया जाता है, लेकिन किस बारे में टास्क होता है, टाइम गॉड, बस टाइम गॉड और नॉमिनेशन टास्क। बिग बॉस का पूरा प्रोडक्शन टीम सिर्फ नॉमिनेशन और टाइम गॉड या फिर कुछ भी होता है थीम, अभी टाइम गॉड का थीम है तो अभी उसके ऊपर ही खर्चा करते हैं पूरे, मतलब दूसरे टास्क के ऊपर खर्चा ही नहीं करते। मतलब लास्ट वीक में एक टास्क करना था, टी शेप का कुछ मड के ऊपर से बनाना था, उसमें भी यार कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं, फिजिकल हो गया, ये हो गया, टास्क की तरह लूँगा यार। तो उसमें मारपीट की क्या वजह है उसमें, और वुमेन्स कार्ड हो गया, गर्ल्स कार्ड हो गया, तू मेरे को कैसे चूसता है, ऐसा क्या करता है भाई। तो इस सीजन 18 के कंटेस्टेंट्स के बारे में मैं अपना खुद का ओपिनियन बताने वाला हूँ। तो जो भी होता है वो पूरा का पूरा ओपिनियन मेरा होने वाला है, अच्छा ओपिनियन हो या बुरा ओपिनियन हो, कुछ ना कुछ हो, वीडियो किसी के डिफॉर्मेशन के बारे में नहीं है, किसी के ऊपर हेट फैलाने की भी कुछ ये नहीं कर रहा, इंटेंशन नहीं है मेरा, सिर्फ खुद का ओपिनियन। जहां तक मैंने देखा 36 डेट्स हो चुके हैं अभी, तो उसके प्योरली उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मैं उन सभी को किसी को नहीं जानता, मैं जो भी बिग बॉस के घर में अभी करंटली किसी के बारे में नहीं जानता, सिर्फ रजत दलाल और करणवीर के बारे में जानता हूँ, जो कि प्रीवियस शोज या फिर प्रीवियस जो भी इंडिया में मुद्दे चल रहे थे उसके बारे में, वो सब पूरे बस वर्ड्स थे रजत दलाल, वो सब पूरे, तो सिर्फ वही जानता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मतलब जो भी बोला था यार स्टार्टिंग में कि यार मेरे दो फाइनलिस्ट होने वाले हैं, मतलब उसने बिग बॉस ने क्या बोलते हैं अपना भविष्यवाणी भविष्य में जाके देखा कि यार मेरे दो फाइनलिस्ट यही होने वाले हैं, ये है एक विवियन डी सेना और दूसरी है एलिस। अभी कुछ ना होने दो यार, सभी आपको पता ही होगा। तो फिर सिर्फ मैं अपना कंटेस्टेंट के ओपिनियन के बारे में बात करने वाला हूँ। सो फर्स्ट कंटेस्टेंट आने वाला अपना विवियन डी सेना। सो विवियन डी सेना जो भी मैंने बोला था कि यार टॉप टू में दो नाम थे, वो है विवियन डी सेना भी एक नाम है उसमें। मतलब मेरे को लगता है कि विवियन डी सेना विनर भी हो सकते हैं क्योंकि बिग बॉस का शो है। जो भी वीकेंड के बाद हो गए क्योंकि उनके पास होता है एक स्पीकर, मतलब स्पीकर या ब्लूटूथ बोल दो, तो उसमें पूरे बता जाते हैं कि यार ये करो वो करो, तो वो सिर्फ वही स्क्रिप्ट लगता है, सिर्फ बाकी सब कोई कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं लगते। सो विवियन हो सकते हैं टॉप टू में कंपल्सरी, टॉप फाइव में तो गारंटी होंगे विवियन डी सेना। और जहां तक उन्होंने बोला कि यार 8 साल से 10 साल मैंने कलर्स में काम किया है, तो हो सकता है कलर्स वालों का थोड़ा बहुत झुकाव हो सकता है उनके ऊपर। बात करते हैं अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट के बारे में, वो है शिल्पा शिरोडकर। तो शिल्पा शिरोडकर की एक मेन ये है कि यार शी इज एक्ट्रेस, मतलब जो भी पुराने मूवीज थे उसमें मैडम ने सबके साथ काम किया, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स थे लाइक अमिताभ बच्चन हो गया या फिर गोविंदा हो गया, कुछ ना कुछ बोल रहे थे तो मेरे को कुछ ज्यादा याद नहीं है। तो शिल्पा शिरोडकर माइट गो, मतलब उनका कुछ विनर का ऐसा नियम कि यार विनर होंगी और एक 1 मंथ या फिर न्यू ईयर तक रहेंगी मुझे लगता है, उसके बाद में अभी न्यू ईयर के बाद में पूरा के पूरे बिग बॉस वाले पूरे सबको निकालते रहेंगे, एक एक डबल एलिमिनेशन, ट्रिपल एलिमिनेशन, मिड वीक एलिमिनेशन बोल के सबको निकालते रहेंगे। तो सिर्फ बिग बॉस को यही चाहिए कि यार जो भी कंटेंट दे रहा है, लाइक अभी जिसको जो भी कंटेंट दे रहा है उसको रखेंगे, जो भी कंटेंट नहीं दे रहा सबको निकाल देंगे। बात करते अपने थर्ड कंटेस्टेंट के बारे में, वो है खुद एलिस। सो एलिस ना यार वैसे मैं बोला था कि 4 लोगों का एक झुंड हो चुका है, तो 4 लोगों के झुंड में विवियन डी सेना और एलिस एक पार्ट है उसमें। तो एलिस ना कुछ मेरे को उसका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन लगता है कि
यार जैसे कि लास्ट लास्ट टास्क में हुआ था कि यार वुमेन कार्ड उसने प्ले कर दिया था कि यार कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे कर सकता है। तो फिर बाद में वीकेंड के बारे में बोला कि यार मैंने सर मेरा इंटेंशन नहीं था, फिर मैंने तभी ड्रॉप कर दिया कि यार मैं सोच रही थी ऐसा करो वैसा करो, तो तभी मैंने ड्रॉप कर दिया। तो यार मेरे को लगता तक जो कुछ भी आपने थिंक किया हो तो ड्रॉप नहीं हुआ किया होगा, क्योंकि उसने वहाँ पे वर्ड बोला कि यार तू ऐसे कैसे छू सकता है मेरे को, तो इससे बुलशिट यार आगे भैन चल छोड़ो यार। जाते हैं फोर्थ कंटेस्टेंट के बारे में। द फोर्थ कंटेस्टेंट हिमसेल्फ इज रजत दलाल। तो रजत दलाल यार मैं उसको पहले से फॉलो करता हूँ, जैसे अभी फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो गया तो उसने फिटनेस में बहुत सारे अच्छे अच्छे बोलता है कि यार ये खाओ वो खाओ बॉडी बनने के लिए, या फिर बॉडी कट करने के लिए, या फिर बॉडी बल्क करने के लिए वो बोलता है कि ये सब करो। भाई के थोड़े तगड़े क्लासेस बोल के चैनल भी है, मतलब वीडियोस बनाते हैं जिसपे अपने स्टूडेंट्स को बहुत बहुत कुछ सिखाता है, IQ बहुत बड़ा है। तो मेरे को नहीं लगता कि लास्ट ऐसा हो गया था जिसमें बिग बॉस ने कुछ 2495 का कुछ बोला था तो उसको कुछ समझ नहीं आया, तो उसने फट बोल के सेवेंस का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर फिर उसके आगे कुछ नंबर जोड़ दो ऐसा। भाई उसका IQ बहुत अच्छा है। अगर अपन बात करते हैं बिग बॉस के ओन कंट्रीब्यूशन के बारे में, लव कटारे को ये लग रहा था कि यार अगर बाहर आएगा तो वोटों के हिसाब से नहीं आएगा, किसी को मार पीट के आएगा बाहर, तो मेरे को बहुत ज्यादा फनी लगा वो। तो एक क्योंकि भाई भाई का गुस्सा बहुत बड़ा है, क्योंकि भाई कुछ भी कर सकते हैं गुस्से में। जैसे आपको लास्ट कुछ 1-2-3 months में कुछ उसके बारे में बहुत सारे एलिगेशंस और बहुत सारे लगाए थे, तो मेरे को नहीं लगता कि यार इट्स ए गुड मैन, तो अच्छा आदमी है। बताते हैं हम फिफ्थ कंडीशन के ऊपर। तो फिफ्थ कंडीशन है अपने करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा ही हैज पर्सनालिटी ऑफ विनिंग पोजिशन। अगर हो सकता है टॉप टू में जाए तो अगर जा सकते हैं विवियन डी सेना और करणवीर जा सकते हैं टॉप टू में। बात कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में शो में, तो यार ही इज अ मैन लाइक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग में चलता है। अगर कुछ किसके साथ लड़ाई हो गया तो लड़ाई होते ही वो क्या करता है सबको टाइम देता है, टाइम देने के बाद फिर खुद ही जाता है, खुद जाके बात करता है सबसे कि यार ऐसा ऐसा नहीं था ऐसा था, अपने हिसाब से सबको मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट करके और अपने अपने ओर खींच लेता है। तो ही हैज ए विनर कैपेबिलिटी, मतलब विनर का माइंडसेट रख के चलता है बंदा। सारा बंदा नहीं कि यार एक झापड़ खा लेगा तो उस वापस मारेगा तो 2 या 3 ही मारेगा, लेकिन चुप तो नहीं बैठेगा अगर कुछ फिजिकल हो गया तो। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट के ऊपर, एंड नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज श्रुतिका। तो श्रुतिका यार एक चीज फ्रॉम तमिलनाडु, ऐसा बोलती है कि मुझे तमिल आती है, तो मैं शादी में देखा था, तो अभी ऐसा लग रहा है कि यार शी इज लाइक अटेंशन सीकर, क्योंकि अगर वहाँ पे अटेंशन नहीं मिला तो यहाँ पे अटेंशन ले लिया, तो यहाँ पे कुछ मुद्दा हो रहा है, कुछ भी फाइट हो रहा है, कुछ किसी के ऊपर फाइट हो रहा है तो बीच में घुस जाती है, घुस जाके यार ऐसा करना है वैसा करना है, क्यों ऐसा कर रहे हो क्यों वैसा कर रहे हो। श्रुतिका को टॉप 5 में भी ले जा सकते हैं। और चलते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर, और अपने नेक्स्ट कंडीशन है ईशा। तो यार सभी सीजन में ईशा का कोई ना कोई ईशा होते होते हैं, तो लाइक लास्ट टाइम ईशा मालविया हो गया, अब ईशा ये है ईशा है, उसका भी कुछ सीन अलग ही चल रहा है, वो भी जो चार झुंड में है ना, तो विवियन डिसन हो गया, एलिस हो गया और ईशा। तो ईशा इज द थर्ड पर्सन इन द ईयर, तो अभी थर्ड पर्सन में अभी ईशा ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लग रहा मेरे को, सिर्फ उस चार ग्रुप में, चार लोगों के ग्रुप में जो भी कुछ भी होता है, मैटर होता है कुछ भी होता है, तो उसमें सिर्फ इन्वॉल्व होती है, बाकी कहीं पे भी मेरे को नहीं दिखती इन्वॉल्व होती। सही हो गया मेरे को कहाँ पे लगता है शी लाइक्स अविनाश की, मतलब कुछ भी अभी शी प्रिटेंड्स किया उस पे मेरा हक है, ना कि एलिस ने जताया उसके ऊपर और विवियन भी नहीं जताता यार कि अविनाश के ऊपर मेरा हक है। तो फिर ऐसा हक सिर्फ एक लड़की को होता है जब शी लाइक्स दी अदर पर्सन, तभी ऐसा होता है कि यार तू क्यों नहीं सुन रहा मेरी बात, तो जैसे मैं बोल रही हूँ तू वैसा कर, ऐसा बोल के मतलब अविनाश भी कुछ जा बुझ बोलता नहीं, क्योंकि उसका भी स्क्रीन टाइम चाहिए, जो दोनों को स्क्रीन टाइम चाहिए। तो सिर्फ अगर बिग बॉस में मेन चीज यही है कि अगर आपको स्क्रीन टाइम चाहिए तो एक लव एंगल लेके आओ, लव एंगल में 100% आपको स्क्रीन टाइम मिलेगा। अभी अविनाश और ईशा का चल रहा है और करण और चुमका भी चल रहा है, जब जब चलता है तो स्क्रीन टाइम तो मिलता ही मिलता है। उसके बाद चल रहा है कशिश और दिग्विजय, उसके बारे में अपन बाद में बात करते हैं। तो जाते हैं अपन नेक्स्ट कंटेस्टेंट के ऊपर, वो है खुद द ग्रेट अविनाश मेहरा, एक बार कोई भी अविनाश है उसका नाम। अविनाश मिश्रा एक ऐसा बंदा है कि बोलता है कि मैं विलन हूँ, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये विलन होगा, क्योंकि उसको भी स्क्रीन टाइम चाहिए। एनमी का टैग लेके चल रहा है कि यार ये सब अलग है और मैं अलग हूँ उसके साथ, क्योंकि अगर बिग बॉस में ज्यादा देर चल रहा है तो सबके साथ लड़ाई करके चलना पड़ेगा। अविनाश मिश्रा में भी टॉप 5 में होंगे। द नेक्स्ट कंडीशन इज चाहत पांडे। तो चाहत पांडे यार सिर्फ एक सामने एक बंदा होता है तो उसके पीछे चलती है। अगर हो गया तो अभी इंस्टाग्राम में ट्रेंड हो रहा था कि यार रजत इज पूकी किसके ऊपर, चाहत के ऊपर पूकी है, मतलब दोनों का कुछ लव एंगल दिखा रहे हैं बंदे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि रजत दलाल इज अ वेरी
मतलब उसका माइंड क्लियर है कि यार किसके साथ कैसे बर्ताव करना है, क्या करना है, क्योंकि वो सिर्फ ये बोलता था कि किसी के लड़की के ऊपर कुछ ज्यादा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन यार वो बाहर चलेगा क्योंकि अभी बिग बॉस के घर में पूरा सारे के सारे कंटेस्टेंट का कुछ भी टास्क हो गया तो सबको ये देख के चलना है कि यार मेरी लड़की नहीं है, लड़का नहीं है, सिर्फ टास्क खेलने के ऊपर देख के चलना है, अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो उसका भी कुछ ज्यादा डर नहीं चलेगा, न्यू ईयर से पहले पहले आ जाएगी बाहर। नेक्स्ट कंटेस्टेंट इज सारा। सारा इज अ पर्सन, शी इज अ गुड पर्सन, लेकिन उसको भी अटेंशन चाहिए कि तू क्यों अटेंशन नहीं दे रहा है, तू क्यों अटेंशन नहीं दे रहा है, तो सबके साथ लड़ाई करती है, मेनली ईशा के साथ उसकी नहीं बनती और अविनाश के साथ नहीं बनती, बस दो ही लोग हैं उसके साथ नहीं बनती। अगर हम बात कर लेते हैं तो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा कुछ तो कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो मे बी इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक चली जाएगी। नवंबर को ही वॉज एविक्टेड फ्रॉम द हाउस, आरफिन इज हिज नेम। नेक्स्ट कंडीशन इज चुम। यार चुम एकदम चुम के नाम में है कि चुप रहना, मतलब शो में दिखती नहीं यार कहीं पे भी। अब अपन बात कर लेते जस्ट फूड के हिसाब से, जब बोलते हैं लोग कि यार शी गिव्स अस फूड, शी फूड बनाती है, तो ऐसा नहीं होगा कि यार आप बिग बॉस में आए तो सिर्फ खाना बनाते रहो तो क्यों दूसरे लोग नहीं बनाने खा रहे, क्योंकि उनको भी दिखना है शो पे। तो आपको ये लग रहा है कि यार चुम यू शुड बी विजिबल इन द स्क्रीन, मतलब वो भी स्क्रीन टाइम चाहिए उसको, अगर उसको भी स्क्रीन टाइम कहाँ मिल रहा है जहाँ पे शी इज विद करण या फिर कुछ भी लड़ाई हो रहा है तो वहाँ पे दिखते, नहीं तो नहीं दिखते घर में कहीं भी। कंटेस्टेंट है बग्गा पाजी, जो भी बग्गा बोल रहे हैं उनको, तो यार बग्गा सर मतलब कुछ जेल में लेके आए कुछ है उनका, तो मेरे को हमें लगता है सभी बोलते हैं कि यार मेरे को चाय पिला दो, चाय 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 चाय, तो चाय के ऊपर उनका मुद्दा रहता है, तो फिर जहाँ पे भी वन कॉन्ट्रीब्यूशन आती है तो अभी देख रहा हूँ कि यार दो तीन शायरी मारते हैं अभी, क्या पता शायरी मारते मारते कब एविक्शन हो चुके, न्यू ईयर के पहले एविक्शन हो सकता है। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो सोते रहते हैं बस लड़ाई झगड़ा नहीं किसी के साथ, नहीं कुछ नहीं, तो ज्यादा कुछ दिखते नहीं, तो इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस शो, तो निकाल देंगे बिग बॉस वाले। अब अभी आते हैं अपन वाइल्ड कार्ड्स के ऊपर, तो अभी जस्ट वन मंथ में उन्होंने वाइल्ड कार्ड्स भेज दिए अंदर, तो दिग्विजय राठी एंड कशिश दे आर बोथ फ्रॉम वन फेमस शो नॉन स्पिट्स विलन, कुछ उनका भी अभी कुछ ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन तो नहीं दिख रहा क्योंकि एक ही हफ्ता हुआ है आके, तो एक ही हफ्ते में कुछ लास्ट टाइमिंग वाला टास्क हुआ था, तो आइदर करण और उसका बना था टास्क में टाइमिंग वाला, लेकिन बिग बॉस बायस थे एज यूजुअल, उन्होंने फिर से विवियन को बना दिया। अगर अपन बात करते हैं अभी बिग बॉस खुद के शोर के बारे में, तो यार टास्क लाओ यार बिग बॉस में, टास्क लेके आओ थोड़े देखने के लिए, अच्छा लगना चाहिए यार कि टाइम वेस्ट ना हो, मैं क्यों देख रहा हूँ ये सब क्यों देख रहा हूँ। तो टॉप फोर टॉप फाइव बता दूँ तो करणवीर, विवियन डिसेना और अविनाश और रजत, और लड़कियों में से मेरे को नहीं कोई भी हो सकता, मेरे को नहीं पता फिफ्थ कंडीशन को है, मेरे हिसाब से तो टॉप फोर तो यही है, तो आप बता देना फिफ्थ कंडीशन को है। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, थोड़े बहुत मेरे ओपिनियंस आपके ओपिनियन से मैच करते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब मार के बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, अगर बस यही बोलना चाहता हूँ, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।